कौशा मांस और फुल को लुची। गाइस देख रहे हो राइस का क्वालिटी काफी, थोड़ा सा छूने से ही गाइस से गाइस हम लोग आ चुके हैं फर्न रेसिडेंसी के विस्टा रेस्टोरेंट पे। इससे पहले कई बार मैंने आके गाइस आप लोगों को जो है फर्न रेसिडेंसी का विस्टा रेस्टोरेंट का जो काफी सारा फूड ब्लॉग बनाया है, बट कभी भी मैंने गाइस जो आला कार्टे मेन्यू है मतलब नॉर्मल मेन्यू कार्ड पे कभी भी मैंने फूड ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि गाइस अभी दुर्गा उत्सव चल रहा है, आज चतुर्थी मेरे तरफ से गाइस आप सबको गाइस शुभ चतुर्थी। सो आज गाइस मैं आपको जो है फर्न रेसिडेंसी का विस्टा रेस्टोरेंट पे जो नॉर्मल मेन्यू कार्ड है एंड पूजा स्पेशल क्या क्या मेन्यू में अवेलेबल है वो गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो दिस इज आशीष मलिक एंड यू आर वॉचिंग। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं विस्टा रेस्टोरेंट एक बार फिर से। सो इस बार बंगाल का स्पेशल फेस्टिवल हुआ है दुर्गा उत्सव। इससे पहले हम लोगों ने जितना बार भी गए कुछ ना कुछ फेस्टिवल जो है चलता ही है विस्टा रेस्टोरेंट पे। इससे पहले हम लोगों ने अनलिमिटेड बुफे बनाया गाइस हिल्सा फेस्टिवल पे बनाया वीडियो, एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने कबाब फेस्टिवल एंड बिरयानी फेस्टिवल किया था। तो इस बार गाइस जो है दुर्गा उत्सव है, दुर्गा फेस्टिवल, दुर्गा पूजा फेस्टिवल, जो कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो इस बार गाइस फर्स्ट टाइम हम लोग जो है विस्टा रेस्टोरेंट पे नॉर्मल आला कार्टे मेनू ट्राई करेंगे, मतलब जो नॉर्मल मेन्यू कार्ड होता है उस हिसाब से हम लोग जो है कुछ ऑर्डर करेंगे स्पेशल मेनू दुर्गा पूजा स्पेशल, जहाँ पर आप आके जो है अपना पसंदीदा कोई भी मेनू चूज़ कर सकते हो। खास करके क्योंकि गाइस दुर्गा पूजा है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो है बंगाली फूड आइटम देखने को मिलेंगे। तो जितने बार भी गाइस इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने ये टेबल चूज़ किया, तो इस बार जो हम लोग कुछ अलग टेबल चूज़ करते हैं। एंड मैं तब तक इस विस्टा रेस्टोरेंट का आपको एम्बियंस दिखाता हूँ, डेकोरेशन दिखाता हूँ जो दुर्गा उत्सव स्पेशल डेकोरेशन है। रेस्टोरेंट पे जो है दुर्गा पूजा का टाइम काफी रश होता है, इसीलिए उस टाइम पे जो पूरा का पूरा जो बैंकेट हॉल है ऑर्किड बैंकेट हॉल जो कि लगभग 3000 से 3500 स्क्वायर फीट का है वो वहां पर शिफ्ट किया जाता है, एंड वहां से डेकोरेशन जो गाइस तरह का दुर्गा पूजा बेस्ड रहता है। तो फिर बैंकेट हॉल बंद है। अगर मैं दुर्गा पूजा के टाइम लाइक षष्ठी पंचमी षष्ठी में आता हूँ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पर गाइस हम लोगों ने जो अला कार्टे सिस्टम है मतलब नॉर्मल मेनू कार्ड हम लोगों ने कुछ स्टार्टर ऑर्डर किया है, तो जब तक गाइस स्टार्टर आता है तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। तो इससे पहले गाइस बंगाली आइटम अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सिर्फ हिल्सा फेस्टिवल ही कवर किया था, हिल्सा आइटम ही ट्राई किया था, बट इस बार दुर्गा पूजा में आपको बंगालियाना ऑल बंगालियाना आइटम्स आपको देखने को मिलेगा। ओपनिंग टाइम मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ड्यूरिंग पूजा आपको जो है 12 बजे से दिन के 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक आपको ओपन मिलेगा। नॉर्मल टाइम पे जो प्राइसिंग रहता है रेस्टोरेंट का विस्टा रेस्टोरेंट का दुर्गा पूजा समय उठा पॉकेट फ्रेंडली हो जाए, मैंने एक तो कम दाम में पाओ जाए। अगर गाइस कभी रेस्टोरेंट क्राउड होता है रेस्टोरेंट में रश रहता है तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो, हालांकि वेटिंग करने का कोई यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा बिकॉज पूरा रेस्टोरेंट गाइस शिफ्ट हो जाएगा इनका जो बैंकेट हॉल है ऑर्किड वहाँ पे। लगभग गाइस जैसे कि मैंने बताया 300-350 स्क्वायर फीट है, एट ए टाइम 150 लोग बैठ के जो है अपना लंच या फिर डिनर कर सकते हैं। तो इस विस्टा रेस्टोरेंट के गाइस अटैच एक आपको जो है पानाश बार देखने को मिलता है। यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम लोगों ने दो स्टार्टर ऑर्डर किया, एक फिश का एक चिकन का। सो एक डिफरेंट चिकन का आइटम मुझे गाइस दिखा तो मैंने वो ऑर्डर किया, वो है गाइस कुंग फाउ चिकन, बट ये काफ़ी हद तक जो है चिली चिकन, चिकन सेज़वान एंड उस तरह का दिखने में लग रहा है। तो देखते हैं टेस्ट कितना डिफरेंट है कोई भी चाइनीज एक चिकन का आइटम से। गाइस एक जो नॉर्मल मुझे जो टेस्ट आ रहा है वो चिली चिकन या फिर चिकन सेज़वान ड्रैगन चिकन के टेस्ट के आसपास है, और इसमें जो है एग भी देखने को मुझे मिल रहे हैं। एंड एक गाइस और आइटम ऑर्डर किया, वो है गाइस पैन फ्राइड चिली फिश। तो इस फिश का जो आई थिंक ये बासा फिश है, ये फिश का मुझे एक और आइटम मुझे अच्छा लगता है वो है गाइस गार्लिक फिश। तो ये पैन फ्राइड चिली फिश को गाइस ट्राई करते हैं, स्लाइस जो है काफ़ी थिक है, काफ़ी बड़ा है, तो इसे मैं ट्राई करता हूँ। ये चिली बासा फिश में जो कांटा नहीं रहता, अगर आपको कांटा
पसंद नहीं, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने इलिश माछ ट्राई किया था, उसमें जो है इस कांटा का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसमें कोई भी कांटा नहीं रहता, आप जो इजीली इसे खा सकते हो एंड काफ़ी सॉफ्ट रहता है ये अंदर से वाइट। मैं आपको दिखाता हूँ, अब हम लोगों ने गाइस दो वेज स्टार्टर ऑर्डर किया है, एक है गाइस हरा भरा कबाब एंड एक आई थिंक ये तंदूरी पनीर या फिर पनीर पाशिंदा होगा, मैं पूछ लेता हूँ। तो एक बार फिर से गाइस मैं बता दूँ, इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं खाता, मेरे साथ कम से कम 5-6 दोस्त और रहते हैं, मैं सिर्फ टेस्ट करके वीडियोज़ बनाता हूँ। सबसे पहले जो गाइस मैं हरा भरा कबाब को ट्राई करता हूँ, इसमें अंदर गाइस पालक और आपको पनीर का फीलिंग देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारा जो है हरा भरा कबाब, इसमें कोई केचप या फिर मेयोनीज मिलता तो मुझे लगता है सही लगता, बट हरा या फिर हरा चटनी, मिंट चटनी, बट हाँ ये डीप फ्राई किया गया है, बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट पनीर की वजह से, एंड दोनों के बीच में एक मसाला का कुछ लेयर है। तो ये आपको जो बाहर में येलो कलर का दिख रहा होगा, अंदर में वाइट, रीज़न है कि आपको जो है इधर ऊपर से सैफ्रॉन दिख रहा है, तो एक अच्छा अरोमा आता है, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स। एक प्रीमियम रेस्टोरेंट में खाने का गाइस ये एक फ़ायदा है कि आपको जो है गार्निशिंग, जो प्लेटिंग का स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड ये हमारा और भी एक आध तंदूर आइटम मैं नॉनवेज में ट्राई करना पसंद करूँगा। और दो नॉनवेज स्टार्टर हम लोगों ने ऑर्डर किया, एक तो गाइस फिर से हम लोगों ने जो है पैन फ्राइड चिली फिश चिली ऑर्डर किया, क्योंकि वो आइटम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हरियाली कबाब साथ में, तंदूरी चिकन खाने का मन कर रहा था काफ़ी, बट हम लोग जो है फाइनली हरियाली चिकन ऑर्डर किया। एंड दो हमें गाइस जो है मॉकटेल ऑर्डर करते हैं, कॉकटेल मॉकटेल गाइस दोनों यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि मेरे पास में जो आप गेट देख रहे हो पानश बार कनेक्टेड है इस रेस्टोरेंट के साथ, अगर इवन आप जो है रेस्टोरेंट में बैठ के भी ड्रिंक करना चाहो तो आप जो है बार से मंगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे बैठ के जो अपने ड्रिंक मंगा सकते हो या फिर बार में बैठ के यहाँ का फूड मंगवा सकते हो। कुछ स्पेशल फूड जो है वो सोस्टी से लेके आपको एक आध दूसरी तक चलेगी, उसमें काफ़ी सारा बंगालियाना खबर भी अपनी देखते पा रहे हैं, उसमें जो काफ़ी सारा आपको बंगालियाना फूड भी देखने को मिलेगा एंड काफ़ी सारा स्पेशल फूड भी आपको देखने को मिलेगा। सो और भी गाइस काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको ज़रूर देना पसंद करूँगा। पहले आज का हमारा जो लास्ट स्टार्टर था गाइस हरियाली कबाब एंड फिश चिली, तो मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। स्मोकी फ्लेवर, सॉफ्ट, टेंडर एंड जूसी। ये हरियाली चिकन मुझे जो है गाइस काफ़ी टेस्टी लगा, जितने भी सारे हम लोगों ने स्टार्टर ऑर्डर किया, एक्चुअली हम नॉन वेज लवर, आप चिकन लवर भी बोल सकते हो, सो दो स्टार्टर मुझे काफ़ी पसंद आई गाइस, एक तो ये हरियाली चिकन और ये फिश चिली। मुझे वेज आइटम कुछ खास पसंद नहीं है, बट हरा भरा कबाब वो ठीक ठाक मुझे लग रहा था, क्योंकि पनीर और ऊपर में क्रिस्पी फ्राइड के बीच में एक मसाला था, उसके बाद गाइस ये तो मुझे कमाल की लग रही है। गाइस मैं अपना स्टार्टर ख़त्म करता हूँ, मैं आपको एक बार जो है पास में ही बार है पानाशे बार जाके एक बार दिखा देता हूँ। अभी हम लोगों ने मेन कोर्स में जो है कुछ बंगालियाना आइटम, बंगालियाना खबर ऑर्डर करे छी, तार बोलते चाहिए जे विस्तार रेस्टोरेंट अच्छे एटर एंट्रेंस पॉइंट पूजोर समय दुटो थकबे, एक जो गाइस नॉर्मली हम लोग फंड रेसिडेंसी के एंट्रेंस से आते हैं लिफ्ट से लेकर फिफ्थ फ्लोर पे, और एक एंट्रेंस आपको देखने को मिलेगा दुर्गा पूजा के टाइम, वो आपको गैलेक्सी मॉल के फोर्थ फ्लोर में, गैलेक्सी मॉल के जो फोर्थ फ्लोर पे आपको एंट्रेंस मिलेगा, वहाँ से आप जो ऑर्किड बैंकेट हॉल पे जा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया दुर्गा पूजा के टाइम जो है पूरा रेस्टोरेंट शिफ्ट हो जाता है बैंकेट हॉल पे, सो वहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि कपल्स के लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट रहेगी, फैमिली के लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट, और अगर आप गाइस ग्रुप में हो कम से कम 20 लोग हैं तो आपको जो है पहले सीट बुकिंग करना होगा, मतलब टेबल बुक करना होगा। तो मैंने गाइस स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा डिटेल्स नंबर के साथ दे रखा है, उस नंबर पे कॉल करके आप जो है बुकिंग वगैरह करवा सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, अगर आप ग्रुप में हो 20 पीपल, अगर आप दो चार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ऐसे भी कॉल करके आप टेबल बुक करवा सकते हो। पर गाइस हम लोगों ने कुछ स्पेशल बंगाली आइटम ऑर्डर किया, फिर से बंगालियाना आइटम, सेटा होच्छे गाइस कौशा मांसो और फुलको लुची, सो काफ़ी सारा लुची हम लोगों ने ऑर्डर किया एंड कौशा मांसो, इट अ टेस्ट टोटली डिफरेंट,
আমি দেখলাম কি এটা অ্যাভেলেবল ছিল মেন কোর্সে, যেটা পুজো স্পেশাল মেনু, আপনি পুজোর সময় এইসব আইটেমটা পেয়ে যাবেন। মটন কষার সাথে গাইজ লুচি, ফুলকো লুচি, এটা হচ্ছে বাঙালিয়ানা আইটেম। সাথে আপনি ভাতও নিতে পারেন, কিন্তু গরম গরম ফুলকো লুচির সাথে মটন কষার খাওয়ার মজাই আলাদা। এটা আপনি পুজো স্পেশাল আফটার ষষ্ঠী টু একাদশী, ষষ্ঠী থেকে একাদশী, এরকম আরও সারপ্রাইজেস আছে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফুডস আছে স্পেশাল মেনুতে, পুজো স্পেশাল মেনুতে। সো মাটনের সাইজটা অনেকটাই বড়, অ্যান্ড খুবই ভালোভাবে ওয়েল কুকড আছে। দেখতে পাচ্ছ গাইজ, হাত দিলেই মাটনটা ছেড়ে যাচ্ছে। তো ছুনে সে যে গাইজ মাটন যে হ্যাঁ আলাগ আলাগ হয়ে যা রা, কাফি ওয়েল কুকড হ্যাঁ, বিলকুল সফট, অ্যান্ড টেস্ট ওয়াইজ গাইজ টু গুড। ফুলকো লুচি মটন কষা, মজাই আ গেয়া আজ তো গাইজ। গ্রেভিটাও গাইজ দুর্দান্ত বানানো হয়েছে, ইসকা যে গ্রেভি গাইজ কাফি কমাল কা হ্যায়, অ্যান্ড ইসকা মটন কা টেস্ট তো মতলব লাজবাব, বট ইয়ে যে মতলব ইতনি আচ্ছি তরি সে কুকড হ্যায়, হাম লোক বেঙ্গলি মে বলতে হ্যায় গাইজ রসগোল্লার মতন নরম, একদম তুলতুয়ে মটনটা এত সুন্দর কুকড হয়েছে, টেস্টের কথাই ছেড়ে দিলাম। এর সাথে গরম গরম ফুলকো লুচি যা যাবে, উহ মারাত্মক। আমি আগে জানলে এটাই আগে অর্ডার করতাম স্টার্টার পরে, মানে বাঙালিয়ানার প্রত্যেকটা আইটেমই আমি খুব বেশি খাইনি, বাট যে কয়েকটা খেয়েছি তার মধ্যে এটা আমাকে সবথেকে বেস্ট লাগলো, মাটন কষার সাথে ফুলকো লুচি। ফার্স্ট টাইম এসেছিলাম হিলসা ফেস্টিভ্যালে, তো আমাকে আমাদের গাইজ ইয়ে কমলাভোগটা খুবই পছন্দ হয়েছিলো, তো এটা আমি ডেজার্টে খাই জেনারেলি, তো আমি আগেই আনিয়ে নিয়েছি, দারুণ খেতে হয়। মাটন কষা সাথে লুচি আর কমলাভোগ। Sir, he has 185k followers in Facebook, 1.85 lakhs. Achha, aapka ye street foods ka hai? Yes, that, this banda, that's it, this banda, he's sitting, he's shooting here. Raat mein, midnight mein? Yes, chai dukan mein. Yes, this is banda, he was shooting, I'm a big follower. Thank you, sir. He's CGM, respect to CGM, sir, he's a big boss. SK Naik, sir, and my senior, Satish Kumar, sir. Very dear friend, okay. Yes. All of us, Rahul and this, we are celebrating an event. Okay. We like your page. Thank you. Keep please watching, posting keep good, good things, and keep shooting. Thank you, Subhashish. Thanks. 20-25 to bad jayega. 20-25 bad jayega. Thank you, Subhashish. Okay. Aap log enjoy kijiye. Ye hai Vista restaurant ke manager. Specially main kafi bar aa chuka, but inse jo hai kafi matlab mulaqat nahi hui. Aaj main specially matlab milke aap logo ko matlab jo puja ka sare planning aap bata raha hu. রিসেন্টলি গাইজ আমি হম লোক যে ফুড আইটেম মানে আমি আপনাকে স্পেশাল এটা বলতে চাই, এখনই আমি যে লুচি আর মটন কষাটা খেলাম ওটা খুবই দুর্দান্ত ছিল। থ্যাংক ইউ। এবারে বলুন আপনি যে পুজোতে কী স্পেশাল প্ল্যান আছে? এটা তো হয়ে গেল মানে রেস্টুরেন্টটা, জেনারেলি পুজোর সময় পুরো রেস্টুরেন্টটা শিফট হয়ে যায় অর্কিড ব্যাংকেটে, কী স্পেশাল কী আছে হচ্ছে পুজোতে, বছর প্ল্যানিং কী আছে? প্রথমেই তো আমি সবাইকে নমস্কার জানাই, আমি কৈলাস, আমাদের এই ফান আসানসোল ইউনিটের তরফ থেকে জানাচ্ছি শুভ শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকে গাইস শুভ চতুর্থী, আমাদের সবাই তরফ থেকে, টিম এসইওবি তরফ থেকে। নিশ্চয়ই। তো আমরা প্রথমত আমাদের 3,500 স্কোয়ার ফিটের একটা বিশাল বড় 150 প্যাক্স কভারের রেস্টুরেন্ট তৈরি করেছি, যেটা অর্কিড ব্যাংকেট হল, অর্কিড 1-4th ফ্লোরে লোকেটেড আছে, গ্যালাক্সি মল থেকে, গ্যালাক্সি মল থেকে এন্ট্রি করা যাবে, অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের ফ্লোর থেকেও আসা যাবে। তারপরে এটা মোট আগে থেকে বুক করলে ভালো হয়, কারণ পুজোর সময় সব সময়তেই ওয়েটিং থাকবে, তো আর 150-এর বেশি তো খুব একটা অসুবিধা হবে না। সো বাই চান্স যদি 150-এর বেশি ধরুন লোক চলে এলো, গেস্ট চলে এলো, তখন আপনি কি, আমাদের ওয়েটিং এর জন্য আরো একটা সেকেন্ড রেস্টুরেন্ট রেডি থাকবে, হ্যাঁ তখন ওটা ওপেন করে দেওয়া হবে নিশ্চয়ই। সেটা মানে সেটা ফুল এসি, ফুল এসি, আমাদের প্রত্যেক ফুল এসি, আমাদের তাছাড়া থাকছে আর কি স্পেশাল খাবারের আইটেম থাকবে এটা বলুন। প্রত্যেক বছরের মতো আমাদের সমস্ত কুজিন থাকছে, সাথে স্পেশালি যে বাঙালি কুজিনটা থাকছে, যেমন লুচি মাংসর ঝোল, মুরগি কষা, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, রুই পোস্ত, দই মাছ, অথেন্টিক বেঙ্গলি কুজিন আমরা বানাচ্ছি, সাথে সাথে পাশাপাশি অনেক আছেন যারা অন্যান্য কুজিনের দিকেও ইন্টারেস্টেড, তাদের জন্য ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, তন্দুর, নানা রকমের মিষ্টি সবই থাকছে। সাথে আপনার থিমটাও পুরো পুজোর থিম, ঢাকের সাউন্ড, সামনে একটা দারুণ সুন্দর কাট আউট প্রতিমা থাকছে। কতদিন হয়ে গেল ফরেন রেসিডেন্সিতে? আমি ওপেনিং থেকে আছি 2014 থেকে আছি, অলমোস্ট 7 ইয়ার্স, 7-8 ইয়ার্স। থ্যাংক ইউ কৈলাস স্যার, থ্যাংক ইউ, আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ। ফুড খতম করার পর গাইজ লুচি মটন কষার পরে
अब मल्टी क्यूजिने चले गए हमारा, जिसने साग वाला चिकन है गाइस, यहाँ पर हम लोग को साग वाला चिकन देखने को मिलता है। तो एक पीस साग वाला चिकन जो है मैं अपनी प्लेट में ले लेता हूँ, एंड यहाँ पर गाइस कढ़ाई चिकन भी देखने को मिलता है, ऊपर में काफ़ी सारे चिली फ्लेक्स एंड जो है होल चिली भी देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा सा कैप्सिकम भी है ले लेता हूँ, एंड यहाँ पर जो है ब्रेड वगैरह भी है, कुलचा मसाला कुलचा है गाइस। तो ये काफ़ी थिक है, सॉफ्ट है, गर्म भी है, एंड प्लेन गाइस यहाँ पे जो है स्टीम राइस है। तो थोड़ा सा मैं इधर एक चम्मच स्टीम राइस ले लेता हूँ, स्टीम राइस के साथ चिकन खाया जाएगा आराम से, थोड़ा सा ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं। साथ में गाइस दम बिरयानी। तो इससे पहले बिरयानी फेस्टिवल में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिरयानी ट्राई किया, तो मुझे सबसे बेस्ट उसमें से जो लगा था मैं बताना ही भूल गया, हैदराबादी मटन दम बिरयानी, जिसमें 3 पीस मटन थे एंड काफ़ी स्पाइसी था। बट ये जो है नॉर्मल दम बिरयानी राइस का, इस देख रहे हो राइस का क्वालिटी काफ़ी सही है, काफ़ी सारा इस खुशबू जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओहो ये हमारी निकल गई। तो गाइस ये हमारी जो है मटन दम बिरयानी। सो मैं पहले मटन उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, और एक पीस जो है मटन देखने को मिलता है, बट रिसेंटली गाइस मैं मटन लवर बन रहा हूँ धीरे धीरे। थोड़ा सा मैं गाइस कुलचा लेता हूँ, और पहले जो है कढ़ाई चिकन के साथ थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। वैसे कुलचा ऐसे ही सॉफ्ट है, मुझे लगता है इसको ऐसे ही खाया जा सकता है, बट फिर भी हमारे पास कढ़ाई चिकन है, तो थोड़ा सा कढ़ाई चिकन का ग्रेवी, हमारा साग वाला चिकन इस तरह से जो है मिंट चिकन भी बनाया जाता है। तो ये गाइस साग वाला चिकन है, ऐसे देहाती चिकन से भी इसे जाना जाता है। तो ये गाइस पालक सब्जी स्पिनच से बनाया गया है, और कई बार ये जो है मिंट से, होल मिंट से बनाया जाता है, वो मैंने ट्राई किया, मुझे कुछ खास नहीं लगा था, बट हाँ ये पालक वाला गाइस हेल्दी भी है और ये टेस्टी भी रहता है। ग्रेवी भी देखने को मिलता है, पालक का ग्रेवी। सो अब गाइस सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग फोकस करते हैं मटन दम बिरयानी में। 2 पीस मटन है, आई थिंक और भी मटन इसमें मुझे लग रहे होंगे, एंड ये गाइस देख रहे हो मटन कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से वेल कुक्ड है, फ्लफी। थोड़ा सा जूम इन कीजिएगा सर आप, तो मटन गर्म भी है काफ़ी, थोड़ा सा छूने से ही गाइस मटन जो है अलग अलग हो जा रहे हैं, सी कितना सॉफ्ट है। तो इसे गाइस हम लोग राइस के साथ लेते हैं, और मटन दम बिरयानी, मटन दम बिरयानी के सामने सब कुछ मुझे फीका लग रहा है। अब ये सारा मैं नहीं खाने वाला, दोस्त लोग को मैं बोलूँगा, मैं अपना जो है मटन दम बिरयानी खाता हूँ। हम लोगों ने खा लिया फाइनली, हम लोगों ने ऑर्डर किया मसाला कोल्ड ड्रिंक्स, ताकि जो हम लोग और भी खा सके, एंड बाय द वे गाइस कॉकटेल्स मॉकटेल्स बोथ आर अवेलेबल, आपको जो भी चाहिए ले सकते हो। फिलहाल हम लोगों ने मसाला कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया, कॉकटेल्स का भी ऑप्शन जो आपको बगल वाले में, जैसे कि मैंने बताया पास में ही बार है, तो आप जो लाइक ले सकते हो, और अगर आप चाहिए होगा तो आपको इधर रेस्टोरेंट के टेबल पर मिल जाएगा। बट हम लोग गाइस ये मसाला कोल्ड ड्रिंक जैसे ही इसे खाते हैं, थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा तो फिर कुछ और खाने का प्लानिंग करेंगे। सो यहाँ पर गाइस हम लोगों का जो है मेन कोर्स हो चुका है, डिनर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एंड गाइस अब हम लोग जो है कुछ डेजर्ट ऑर्डर करेंगे। तो जो लोग गाइस मेरे इस वीडियो को मतलब पुराने वीडियोस देख के आ चुके हो, मतलब बिस्ता के काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होगा, कि अगर बिस्ता के पुराने वीडियोस देख चुके तो आपको पता है कि डेजर्ट में मैं यहाँ पे क्या खाना पसंद करता हूँ। एक है गाइस रसमलाई, दूसरा है गाइस बटर स्कॉच आइसक्रीम। तो ये दोनों ही गाइस हम लोग ऑर्डर करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा गाइस पूजा के टाइम पर रश होता है, तो ये लोग जो अपना रेस्टोरेंट शिफ्ट करते हैं बैंकेट हॉल पे, बट आप ये मत समझना कि काफ़ी रश होने से आपको जो है खाना देने में लेट होंगे। आप कुछ भी ऑर्डर करोगे तो मैक्सिमम आपको 20 मिनट्स लगेंगे, 20 मिनट्स के अंदर आपका खाना जो है आपके टेबल में होगा, और लगभग 150 एम्प्लॉय गाइस लगातार काम करेंगे, तो आपको कोई भी डिले नहीं किया जाएगा, आपको इंस्टेंट सर्विस दिया जाएगा। चीज़ गाइस मुझे जो है काफ़ी पसंद आया, ये काफ़ी यूनिक था बट कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। ड्यूरिंग दुर्गा विस्ता रेस्टोरेंट में आप जो है डिनर या फिर लंच करने आए हो, एंड इस टाइम पर अगर आपको बेबी फीडिंग करवाना है, तो उसके लिए इनका जो है स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल रूम है, जहाँ पर स्पेशल प्लेस है जहाँ पर आप अपने बेबी को जो है फीडिंग करा सकते हो। एवरी डे गाइज आपको जो है न्यू मेन्यू देखने को मिलेगा, आफ्टर सोस्टी टू एकादशी दुर्गा पूजा स्पेशल मेन्यू देखने को मिलेगा, एंड ऑल मेन्यूज आर बंगाली बेस्ड होगा। बंगाली बेस्ड मेन्यू आपको एवरी डे देखने को मिलेगा, जो कि चेंज रहेगा। इंपॉर्टेंट बात वो है गाइज कि जब ये रेस्टोरेंट बैंकेट हॉल पे मतलब शिफ्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको एक बड़ा लाइव स्क्रीन देखने को मिलेगा कन्वेयर का,
तो कन्वेयर गाइस क्या चीज है आपको अगर नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखो, जहां पर मैंने कन्वेयर का डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है। तो उस टाइम पे गाइस आपको जो है कन्वेयर का एक लाइव स्क्रीनिंग देखने को मिलेगा विद साउंड रेस्टोरेंट में। पर गाइस हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 डेजर्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट। तो सबसे पहले गाइस स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे कॉमन, सबसे हमें जो है हर कहीं इजीली मिल जाता है, वो गाइस हॉट गुलाब जामुन। तो इसे टेस्ट नहीं करना, बस मैं इसे खाना चाहता हूँ इसीलिए खा रहा हूँ। टेस्ट तो अच्छा है ही। अब हमारा गाइस मलाई पानतुआ, यहाँ पर गाइस 2 पानतुआ देखने को मिलता है, साथ में ढेर सारा मलाई। तो मैं सारे के सारे आइटम गाइस मैक्सिमम जो है बंगाली स्वीट डिशेस हैं, एंड ये गाइस रसमलाई। तो इनका रसमलाई हमें जो है काफ़ी पसंद है, तो मैक्सिमम टाइम ही मैं ये वाला आइटम जो है मिस नहीं करता। इसे काफ़ी यूनिक स्टाइल से सर्व किया जाता है। तो इसमें गाइस काफ़ी सारा रस मलाई के साथ, यहाँ पे गाइस आज मैं कुछ नया एक यूनिक टाइम आइटम ट्राई करने वाला हूँ, वो है गाइस छाना टोस्ट। तो ये वाला आइटम मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्राई कर रहा हूँ, छाना टोस्ट। तो ये देख के लग रहा है गाइस टोस्ट बिस्किट है, बट ये मेड बाय छाना। यहाँ पे हमें जो है गरम गरम चॉको ब्राउनी देखने को मिलता है, एंड इसका आप क्यूब देख सकते हैं गाइस, इसका टेक्स्चर काफ़ी बड़ा है ऊपर से। ये यहाँ पर गाइज आज का हमारा डिनर जो है कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने गाइज बीस तरह रेस्टोरेंट में काफ़ी बार जो है फूड ब्लॉग किया, बट दुर्गा पूजा स्पेशल मैं बना रहा हूँ। ये दुर्गा पूजा में आपको जो है स्पेशल बंगाली फूड भी देखने को मिलेगा, एंड काफ़ी सारा स्पेशल आइटम भी आपको जो है देखने मिलेगा। ये मैं आपको जो है नॉर्मल अलग कटे मेनू बता रहा हूँ, ये हर टाइम आपको जो है अवेलेबल होगा। जनरली मैं जो है फेस्टिवल टाइम पर वीडियो बना रखा है। सो किसी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बुकिंग रिलेटेड, टेबल रिलेटेड, या फिर कोई भी इंक्वायरी रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।